कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू बॉडी फैट, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का कंट्रीब्यूशन होता है वो एक्चुअली कितने परसेंटेज होता है? 11%, 5%, 7% और 9%। तो जो जितना भी आपका बॉडी वेट होगा ना, उसका 7% आपके बॉडी में ब्लड होता है। ये वैसे याद रखना, यानी जितना केजी आपका ब्लड बॉडी है, बॉडी वेट है यानी वजन है, उसका 7% आप निकालोगे तो आप देखोगे कि उतना ब्लड आपके बॉडी के अंदर है, लेकिन किसी डिसीज़ की वजह से, किसी बीमारी की कंडीशन में आप देखोगे तो वो कन्फर्म नहीं पता चलता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड के अंदर उसमें वाटर की कितना मात्रा होता है? 80 to 82, 85 to 87, 90 to 92 और 95 to 97। तो 90 to 92 ये परसेंटेज तक होता है जो वाटर होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर आप देखोगे तो 90 to 92% तक वाटर होता है। द लार्ज कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आफ्टर वाटर, यानी कि पानी के बाद लार्ज कंपोनेंट आप जो ये प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिएंट या वेस्ट मटेरियल या इनऑर्गेनिक साल्ट या प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा आफ्टर वाटर, पानी के बाद सबसे लंबा प्लाज्मा कंपोनेंट क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो हमेशा रखना, जो प्रोटीन होता है वो वाटर में सोलूबल होता है कि नहीं होता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा इच, जो प्लाज्मा के अंदर जो मेन प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन या हेपेरिन। तो एल्बुमिन एक्चुअली जो होता है ना, वो प्लाज्मा के अंदर मेन प्रोटीन होता है। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें मेन प्रोटीन क्या होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारे लीवर के टेस्ट जब आप करवाते हो तो उसके अंदर मापा जाता है लीवर के टेस्ट में कि आपके बॉडी के अंदर कितना एल्बुमिन मौजूद है। द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड आर, यानी कि ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो मोस्ट अबंडेंट होता है? प्लाज्मा, स्टीम सेल, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। था आप कभी भी आरबीसी देखोगे ना, होल ब्लड लेके माइक्रोस्कोपी पर आप देखोगे तो उसमें आपको आरबीसी दिखेगा, बहुत सारे आरबीसी देखेंगे तो उसको हम अबंडेंट बोलते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जो अबंडेंट जो सेल्स होते हैं वो कौन सा होता है? आरबीसी सेल्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आरबीसी सेल्स हो जाएगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरबीसी द टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर तो जो आरबीसी होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 69%, 97%, 99% या 80%। तो ऑप्शन यहाँ पे 99% जो होता है ना हमारे होल ब्लड के अंदर आरबीसी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सर वीडियो को जरूर शेयर करना, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना आप ख्याल रखना।